हेलो माय डियर किड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम था टाइटन बुआ, जो कि आज के एनाकोंडा सांप से कई गुना बड़ा हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। आज के समय में एनाकोंडा को सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक समय में धरती पर एक विशालकाय सांप जो एनाकोंडा से भी कहीं गुना बड़ा होता था। 6 करोड़ साल पहले एक टाइटन बुआ करके एक विशालकाय सांप हुआ करता था, जो सबसे घने जंगल अमेज़न में रहा करते थे। ये सांप 50 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 1500 किलो तक हुआ करता था। टाइटन बुआ का स्केलेटन है, जिससे आप उसकी लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लंबे होते थे। टाइटन बुआ अपना ज़्यादातर समय पानी में ही बिताया करते थे, इनको पानी में रहना पसंद था। टाइटन बुआ का विलुप्त होने का एक कारण धरती का टेम्परेचर था। ठंडा बढ़ने के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि ये गर्म टेम्परेचर में रहते थे। कहा जाता है उस समय धरती का टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास हुआ करता था, जो इनके बढ़ने में इनको मदद करता था। इनको ठंड सहन नहीं हुई, ठंड बढ़ने के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। टाइटन बुआ डेली खाने में 40 से 50 किलो मांस खाता था। ये जंगली जानवरों को सीधा निगल जाता था और बड़े शिकार करता था। टाइटन बुआ एक ऐसा सांप था जो कि मांस के साथ साथ पेड़ पौधे भी खाता था। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी टाइटन बुआ के बारे में। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।